हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बातें करने वाले हैं रियलमी 9 प्रो एंड प्रो प्लस के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, 9i 10th ऑफ जनवरी वियतनाम के अंदर लॉन्च होने वाला है। इसी के साथ साथ हम लोगों को 9 सीरीज ना बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर एंड ग्लोबली लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा। काफ़ी कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन रियलमी 9 सीरीज के बारे में निकल के आ चुका है। बेसिकली यहाँ पे 9 प्रो एंड प्रो प्लस के बारे में निकल के आ चुका है, लाइक यहाँ पे प्रोसेसर, प्राइसिंग एंड दोस्तों इसी के साथ साथ एक फर्स्ट लुक रेंडर इमेज भी सामने आ चुका है। सो सारी डिटेल आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। एंड तक बस बने रहना होगा आप लोगों को। एंड वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ यार लाइक भी कर लेना। आपकी एक लाइक से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोज हर रोज़ बनाने के लिए। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सबसे पहले दोस्तों बातें करते हैं इस फोन की फर्स्ट लुक एंड रेंडर इमेज की। तो यहाँ पे हम लोगों को Realme 9 Pro एंड Pro Plus की डिज़ाइन कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। पीछे ट्रिपल लेयर कैमरा हाउसिंग के साथ LED फ्लैश लाइट एंड स्क्वायर मॉड्यूल के अंदर हम लोगों को कैमरा हाउसिंग देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ पीछे हम लोगों को रियलमी ब्रांडिंग नीचे देखने को मिल जाता है। फ्रंट साइड के बारे में अगर बातें करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे एक पंच होल कटआउट अपर लेफ्ट कॉर्नर में सिंगल सेल्फी शूटर कैमरे के साथ हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। दोस्तों दोनों फोन्स की अगर डिस्प्ले के बारे में बातें करेंगे तो सबसे पहले हम बातें कर लेते हैं रियलमी 9 प्रो की। तो यहाँ पे हम लोगों को 6.47 से लेके 6.5 इंच एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले। एंड रियलमी 9 प्रो प्लस के अंदर हम लोगों को 6.67 इंच से लेके 6.7 इंच तक डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी हम लोगों को जो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया जाएगा। दोनों के दोनों स्मार्टफोन के अंदर 90 से लेके 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया जाएगा। डेफिनेटली हम लोगों को प्रो प्लस वेरियंट के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। अभी चलिए बातें कर लेते हैं इन दोनों फोन्स की चिपसेट के बारे में। तो दोस्तों रियलमी 9 सीरीज की चिपसेट के बारे में ना एक इन्फॉर्मेशन रिसेंटली निकल के आ चुका है। रियलमी 9 प्रो के अंदर हम लोगों को देखने को मिल जाएगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 5G चिपसेट। एंड यहाँ पे जो रियलमी 9 प्रो प्लस होगा ना, इसके अंदर हम लोगों को मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 5G चिपसेट के साथ देखने को मिल जाएगा। दोनों के दोनों चिपसेट ही जो है 12 5G को सपोर्ट करता है। गाइस यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि Vivo V23 सीरीज के अंदर जो रेगुलर मॉडल है ना V23 एंड इसी के साथ साथ Xiaomi 11i एंड Xiaomi 11i हाइपर चार्ज, इन दोनों फोन्स के अंदर एंड यहाँ पे Vivo की V23 के अंदर हम लोगों से MediaTek Dimensity 920 देखने को मिल जाता है। तो जब Realme 9 सीरीज लॉन्च होगा ना MediaTek Dimensity 920 के साथ 9 Pro Plus, बेसिकली यहाँ पे काफ़ी कंपटीशन होने वाला है तीनों स्मार्टफोन के अंदर। Realme 9 Pro एंड Pro Plus के अंदर हम लोगों को 6 128GB एंड 8 128GB के साथ देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर बैटरी के बारे में बातें करेंगे तो दोस्तों हाल ही में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आ चुका है बैटरी के बारे में कि 5000mAh बैटरी के साथ हम लोगों को Realme 9 सीरीज़ के अंदर 9 Pro एंड Pro Plus देखने को मिल जाएगा। विद 65W ऑफ फास्ट चार्जिंग बॉक्स के अंदर ही हम लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। 12 स्टीरियो स्पीकर होने वाला है। साइड माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। फेस आईडी की सिक्योरिटी हर टाइप का नेसेसरी सेंसर हम लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। Realme 9 सीरीज़ की अगर लॉन्चिंग के बारे में बातें करेंगे तो दोस्तों 9i जैसे कि आप सभी को पता है वियतनाम के अंदर 10th ऑफ जनवरी इसको लॉन्च किया जाएगा। फेबरवरी मिडिल तक हम लोगों को ग्लोबली एंड इसके ठीक बाद हम लोगों को इंडिया के अंदर भी लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगा। फेबरवरी 22 तक शायद से हम लोगों को Realme 9 सीरीज़ के अंदर 9, 9 Pro एंड 9 Pro Plus ग्लोबली लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाए। एंड इंडिया के अंदर इसके ठीक बाद मतलब कि यहाँ पे फेबरवरी एंड तक लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा। प्राइसिंग के बारे में अगर बातें करेंगे तो दोस्तों Realme 9 Pro इस फ़ोन की प्राइस होने वाला है 17 से लेके 18,000। जहाँ तक मुझे लग रहा है दोस्तों इस फ़ोन का प्राइसिंग थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है 19 से लेके 20,000। एंड इसी के साथ साथ जो प्रो प्लस वाला वेरिएंट है ना 20 से लेके 22,000 कहा जा रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है 22 से लेके 24,000 के आसपास में। सो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड टेक केयर।